टू इन्वेस्टोलॉजी एंड माय नेम है शिवांश मसीन। सो गाइस, आज की मार्केट जिस तरीके से एक गैप अप ओपन हुई, उसके बाद से हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर देखा, ज्यादा बड़ी फॉल नहीं आई है, बट एक पैटर्न बना, एक बियरिश पैटर्न बना, जैसे हम लोग कहते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। क्या निफ्टी के अंदर ये पैटर्न बना तो क्या एक सेल ऑफ आ सकता है? एग्जैक्टली अपने टॉप पे बनाई है। तो ये सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो में बताया था कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए क्या मैं वो 3 मिनट वाली जो वीडियो बना रहा था, जिसमें मैं सिर्फ आपको छोटा छोटा बताता था कौन से स्टॉक्स बाय कर लो, क्या मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, क्या वो वाली वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, क्या मैं ये वाली वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ब्रीफली आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, रीजंस के साथ बता रहा हूं कि क्यों बाय करना है, क्या चार्ट पैटर्न्स हैं, एवरीथिंग। सो अभी मैंने एक चीज को टेस्ट करने के लिए 7:30 के अराउंड, अभी तो वीडियो 9:30 आपके सामने अपलोड हो गई है, बट 7:30 मैंने आप लोगों को एक वीडियो और शेयर करी थी 3 मिनट वाली। हम अभी चेक कर रहा हूं मैं कि किसका रिस्पांस बढ़िया आ रहा है, क्या उस वाली वीडियो को बढ़िया रिस्पांस देखने को मिल रहा है या इस वाली का, एंड उसके बेसिस पर मैं फ्यूचर अपने डिसीजंस लूंगा कि कौन सी वीडियो को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर लगता है कि दोनों का रिस्पांस बेटर आ रहा है तो मैं दोनों वीडियोस को भी कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है? तो आप जरूर बताइएगा, वो वाली वीडियो पे जाके जरूर बताइए कि वो वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर इस वाली वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके? सो आज की मार्केट की बात करते हैं। कल हम लोगों ने मार्केट में बात करी थी कि अगर गैप अप खुलता है, डेफिनेटली अगर गैप अप खुलता है तो पुट राइटर्स है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। बट जैसे ही मार्केट ओपन हुई, एक हेवी सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, और ये जो सेलिंग प्रेशर गैप अप के टाइम पे आ रहा है ना, वो लगातार 3 दिन से हमें देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं ना कि जैसे खुलता है, 1-2 मिनट का सेलिंग प्रेशर आता है, फिर एक रिकवरी हो जाती है और रेंज बाउंड हो जाता है। हमने सोचा आज भी ऐसा होगा, बिकॉज मार्केट, मैंने कल आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखाया था, एग्जैक्टली वैसा था, रेंज बाउंड थी मार्केट, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। जब एक गैप डाउन आना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने कल एक लेवल डिसाइड करा था ना, एक सपोर्ट निफ्टी का, एग्जैक्टली वहां पर आया और वहां से बाउंस करा एंड दोबारा ऊपर जाके फिर एक सेलिंग प्रेशर आया। तो ये सारे सिनेरियो को समझते हैं, कुछ पैटर्न्स एक ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा नीचे लेकर जा सकते हैं, समझेंगे एंड पूरी वीडियो को अच्छे से एंजॉय करके देखते हैं। सो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग। So, बात करते हैं अपने पहले स्टॉक की जिसका नाम है क्विज कॉर्प लिमिटेड की। अगर मैं बात करूं तो ये मैं पर्सनली खुद बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ। डेफिनेटली अगर कल मुझे इसी लेवल पे मिलता है या 10-15 रुपए नीचे मिलता है तो मैं डेफिनेटली स्टॉक को बाय करूंगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं जनरली एक चीज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जैसे कहते हैं वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये एक वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है जिसके ऊपर मैं बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ एंड मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर इसके अंदर बना हुआ है। डेफिनेटली नेटवर्क 18 के अंदर बहुत पहले बना था, उस पर भी मैंने ट्रेड लिया था एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड गया है वो, और डेफिनेटली उसने अपना लाइफ टाइम, नॉट लाइफ टाइम हाई, बट अपने बहुत हाई प्रीवियस हाईएस्ट को बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट दिया है एंड 76 पे मैंने भी पोजिशन बनाई, नहीं 66 या 76 पे बनाई थी और रिसेंटली मैं कल ही निकला। तो बहुत मतलब ये पैटर्न जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्टडी करिएगा ज़रूर वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को। यूट्यूब को बिल्कुल मत देखिएगा, यूट्यूब को बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि वहाँ पर उल्टा सीधा बताएंगे, तो उन चीज़ को मत देखना। सीधा आप गूगल के अंदर टाइप करो, वहाँ पर जो भी आपको फर्स्ट या सेकेंड मिलता है तो उस पर जाके क्लिक करके आप पढ़िए, पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो मैं आपको अभी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो एक लंबा चीज़ है आप लोगों को बताने के लिए, बट मैं सिंपल पैटर्न्स के बेसिस पर बता देता हूँ। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले एक सपोर्ट ड्रॉ करा, इसके अलावा हम लोगों ने अब एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। सो हमें इतना पता चल गया कि एक राइजिंग हायर राइज एंड हायर लोस पैटर्न फॉर्म कंटिन्यूसली हायर राइज एंड हायर रोज है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये देख रहे हैं शार्प अपमूव आई थी, ये शार्प अपमूव आने के बाद इस पर्टिकुलर ने ये आप क्लियरली देख सकते हैं, लेट मी शो यू, यस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक शार्प अपमूव आने के बाद ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे मैं देखिए छोटा सा ब्रीफ बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं ये जो टॉप है, ये इसका टॉप है, ये इसका ओवरबॉट है, RSI का ओवरबॉट है, ओवरबॉट पे आ गया, ये वॉलिटिलिटी मैंने ओपन करी हुई है, वॉलिटिलिटी डिक्लाइन कर रहा है, ओवरबॉट से ये नीचे आ रहा है और नीचे आके 50 के लेवल पे आ गया। अब ये 50 के लेवल पे आ गया, ये थर्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ वॉलिटिलिटी का, तो इस लेवल पे बाय बनता है। ये फॉल देख रहे, फॉल में आपको लग रहा होगा कि यस एक फॉल आ सकता है, डेफिनेटली एक फॉल्स ब्रेकडाउन आने की कोशिश ये डेफिनेटली करेगा, वही वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है? तो एक फॉल्स ब्रेकडाउन आएगा, मुझे उसी फॉल्स ब्रेकडाउन पे एक एक्युमुलेशन स्टॉक के अंदर। इसके अलावा 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है जो कि आ रहा है इस लेवल पे, ये देख सकते हैं, और मैं एक जोन क्रिएट कर देता हूँ, ये जोन है, देखने यहाँ पर स्टॉक से बाउंस करा, इधर से बाउंस करा और यहीं पर ही 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है।
हो सकता है ये कल स्टॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, इस लेवल पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से तब बाउंस करेगा, तब मेरी एंट्री होगी। तो ये स्टॉक मेरे रेडार में है और मैं इसे बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ विद अ टारगेट ऑफ 1000-1020 और हायर लेवल्स के लिए। ठीक है, तो स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखिएगा, कल जैसे ही मैं बाय करूंगा आपको वो भी बता दूंगा। बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की। हमारा दूसरा स्टॉक है नजारा। नजारा अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है 2943 रुपीज के आसपास, एंड क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ ज़्यादा इसमें बनाया नहीं है और बहुत डिटेल्ड है ये पर्टिकुलर स्टॉक बताने के लिए, बट मैं अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ये एक स्पेशल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैंने पर्टिकुलरली डिजाइन करा है एंड मुझे लगता है इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले आप देखिएगा एक शार्प अपमूव आती है, शार्प अपमूव आने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है। अब रिट्रेसमेंट अगर हम लोग चेक करना चाहें तो कितना आया, सिंपल एग्जैक्टली 618 का है। 618 का रिट्रेसमेंट आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये बना हुआ है, एक कैंडल ये आई जो कि हमें सिंपल बता रही है कि ऊपर एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था। अगली कैंडल नीचे बनी, यहाँ से दोबारा रिकवरी करी, तो यानी कि ये एक लेवल है। ये वाली कैंडल पर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, सिर्फ इन दो कैंडल्स को समझिएगा। हमें पता चला ऊपर इस लेवल पर एक हैवी सेलिंग प्रेशर है बिकॉज यहाँ से नीचे आया, इस लेवल पर एक हैवी बाइंग प्रेशर है क्योंकि यहाँ से ऊपर गया। अब देख रहे हैं स्टॉक अगर इसके हाई को ब्रेक करती है तो हमारे लिए बाय है, अगर इसके लो को ब्रेक करती है तो हमारे लिए शॉर्ट है। अब अभी एग्जैक्टली अपने हाई पे ये ट्रेड कर रही है, कल अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देती है देन आवर स्टॉप लॉस शुड बी बिटवीन दिस लेवल और हमारा टारगेट होगा प्रीवियस हाई का। ठीक है, प्रीवियस हाई हमारा टारगेट होगा और ये जो गैप है इस गैप को भी पहले फिल कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वहां से मुझे अगर ब्रेकआउट आता है तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 3030-40 तक तो मिनिमम जा सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है। कल भी ये 5% का अपर सर्किट लगा सकता है, इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा, बट जब ब्रेकआउट हो तभी ट्रेड करना, अदरवाइज ट्रेड मत करना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। हमारा लास्ट स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में मैंने सिर्फ दो चीजें ड्रॉ करी हुई है, एक तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया और ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया। डिमांड जोन आप क्लियरली देख सकते हैं जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट करता था इधर साइड एंड इधर साइड, जब ब्रेकआउट दिया दैट ब्रेकआउट गिव अ रीटेस्ट एंड इट बिकम अ सपोर्ट। तो यहाँ पर अब एक डिमांड बन चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब जरा यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक्स को समझते हैं, कुछ प्राइस एक्शन को समझते हैं। अब देखिएगा ये एक फॉल आई, एक हल्का सा इसने पुल बैक दिया, अगेन एक हेवी फॉल आया, अगेन इट गिव अ वेरी गुड पुल बैक, नीचे आया क्रिएटेड अ डबल टॉप एंड इट गिव अ वेरी गुड पुल बैक, देने के बाद एक दोबारा फॉल आया एंड दोबारा ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये वाली फॉल से ये वाला फॉल नीचे है डेफिनेटली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RSI ने एक डबल बॉटम क्रिएट करा है एंड जो टॉप था वो थोड़ा सा नीचे था। अब डेफिनेटली ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अब इस कैंडल स्टिक को समझो, ये जो लगातार जब दो कैंडल का फॉल आया, अगले दिन जो वाली कैंडल बनी है ये डोजी जो बनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर में इसने इसका जो हाई था एग्जैक्टली इसका जो हाई था, ये कैंडल देख रहे हैं इसी का टॉप था, ये वाली कैंडल का यही टॉप था, मैं इसको हटा देता हूँ, देख रहे हैं यही टॉप था और इसके नीचे जाके क्लोजिंग आई। बट आज के कैंडल ने गैप अप को ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर भी गया और ये जो दो लगातार फॉलिंग कैंडल थी ना इसके मिड, इसका जो 70% था 61.8% अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करी। यस आई नो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी बिकॉज ये एडवांस चीजें होती हैं जो एक एक कैंडल के अंदर हमें समझनी पड़ती है। जरूरी नहीं है हर पैटर्न बने तो ही हमें स्टॉक पे ट्रेड करना, कुछ एक दो कैंडल्स भी हमें ऐसा बता देती है कि वो स्टॉक के अंदर एंट्री लेने में मजबूर कर देता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, इतनी बात समझ गए इसको अब भूल जाओ। अब आप देखोगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 7 कैंडल एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी। ये आप देख रहे होंगे ये सप्लाई और डिमांड जोन मैंने बना रखा है। जब इसने ब्रेक डाउन करा तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक आज ऊपर गया था, यहाँ पर रीटेस्ट करा बट दोबारा नीचे आ गया। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज जो पहले सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन हुआ, अब ये रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, हो सकता है नीचे आए डबल बॉटम क्रिएट करके ऊपर जाए, बट हम लोगों को कॉशियस रहना है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको समझनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देख लिया एक रेंज बाउंड है, इतनी बात समझ गए रेंज बाउंड है। अब यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करेगा, मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये जो फॉल आया ये ऑलमोस्ट फॉल आया 145 पॉइंट्स का, 145 रुपीज़ का फॉल आया, छोटा सा पुल बैक दिया, दोबारा एक फॉल। अब ये वाला जो फॉल आया ये आया है 111 रुपीज़ का फॉल, फिर छोटा सा पुल बैक दिया, फिर एक फॉल आया। अब ये वाला जो फॉल आया है ये आया है 80 रुपीज़ का फॉल, मतलब अपने टॉप से 80-90 रुपीज़ नीचे गिरा। इससे आपको एक चीज़ समझ गई होगी
कि जो फॉल आ रहा है एक पुल बैक देने के बाद, जो कंटिन्यूअसली लोअर लोज लोअर हाइज बन रहा है वो छोटा होते जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। ठीक है, पहले बड़ी फॉल आती है, फिर पुल बैक के बाद फिर छोटी आती है, फिर और छोटी आती है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, ये देख रहे हैं एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। अब स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। सो मेरे हिसाब से करंट अच्छा लेवल तो ये भी है कि अगर आप अभी करंट प्राइस है 27-35 रुपीज का, हम बाय करना चाहें तो इस ब्लू वाली रेंज में भी कर सकते हैं। बिकॉज आप देख रहे हो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने बनाया, ये देख रहे हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट और ऊपर गया, तो हम बाय के लिए यहाँ पर भी कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मैंने आपको स्टार्टिंग पे बोला गैप डाउन आ सकता है, तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये शायद मिसप्लेस भी हो सकते हैं, हो सकता है नीचे खुल जाए, तो ये चीज़ों को समझना होगा। बाय चांस अगर ये नीचे खुलता है और ऊपर आके 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो भी बाय कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप लोग एक सेफ ट्रेडर हो तो इस लेवल के ऊपर बाय करना, तो हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तब एक कप और एक हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तब हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होंगे दैट शुड बी आर प्रीवियस स्विंग आएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, ये माइंड सेट है, ये सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी होता है कोई भी स्टॉक बॉन्ड, कोई भी फॉरेक्स, कोई भी करेंसी, कोई भी क्रिप्टो, हम ये इसे सिक्योरिटी कहते हैं। ये सिक्योरिटी स्टॉक्स की साइकोलॉजी जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत प्यार से मैंने आप लोगों को हर एक स्टॉक की सिक्योरिटी की साइकोलॉजी समझाई होगी। पसंद आया तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा गाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये थे मेरे तीन स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ओपन इंटरेस्ट डाटा की बात करते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया एंड क्लियरली आपको मैंने सिर्फ दो लाइंस बताई है। यहाँ पर एक तो सप्लाई देखने को मिल रही है और इधर से डिमांड आ रही है। क्लियरली आप देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर बहुत टाइम से काम कर रहा है। अब देखिए, हमने यहाँ पर कल एक चीज़ डिसाइड कर ली थी, हमने क्या डिसाइड करा था कि मार्केट गैप अप खुलता है, एक रेंज बाउंड रहता है। क्लियरली यही होता है। अब रेंज बाउंड एक दिन रहता है और अगले दिन गैप अप खुलता है, ऐसा कोई वो नहीं है प्रायोरिटी। अब यहाँ पर दो दिन मार्केट अगर रेंज बाउंड के अंदर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, मैं एक लाइन और ड्रॉ करना चाहूँगा एट दिस पर्टिकुलर लेवल। इसका कलर मैं चेंज करके रेड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हुआ क्या, ये तो 18th of October का मतलब प्रीवियस दिन मंडे की बात है। ये मंडे को हम लोगों ने देखा था इस पूरे रेंज बाउंड इसी लेवल पे था, एक गैप अप खुला, एक फॉल आया एग्जैक्टली नीचे तो गया, इस लेवल पे विक क्रिएट करी बट क्लोजिंग इधर लेवल पे, जो कि एक अच्छा संकेत था। दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऊपर गया, इसने अपना एक लोअर लो और लोअर लो भी हम कह सकते, सॉरी लोअर हाई भी कह सकते हैं और डबल टॉप भी कह सकते हैं, ये क्रिएट करा, दोबारा नीचे आया बट इसने इस बार रेड लाइन के नीचे अपनी क्लोजिंग कर दी है। देखिए अब अगर हम लोगों को बाय करना है तो हम लोग बाय करेंगे जब इस रेड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग देखने को मिलेगी। अब इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली जब लेवल क्रॉस होगा 18,460 रुपीज़ का, तो बाय करेंगे विद अ टारगेट ऑफ, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ये वाली, तो हमारा टारगेट होगा प्रोबेबली 18,530-520 के आसपास का। बट अगर गैप डाउन ओपन होती है जो कि 18,350 के आसपास होती है, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो ये गैप को भी फिल करने आ सकता है, तो हमें वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। इस बात को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा, बट मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि बिल्कुल भी कल ट्रेड मत करिएगा, कल सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा, ट्रेड करना ही है तो वेस्ट के अंदर करिएगा, वो भी जब मैं बताऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को गाइस जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहां पर मैं अपडेट देते रहता हूं कि कौन से हमारे यूट्यूब वाले स्टॉक्स पे एंटर कब करना है और कब नहीं करना, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर दो, गलती से कोई गलत जगह एंट्री ना ले लो, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं सब कुछ बताते रहूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग चेक करें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सो बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग चेक करें तो वो भी एक रेंज के अंदर था, ये देख रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, इसने आज के ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ वेरी गुड फॉल, और फॉल देने के बाद इसने इस लेवल पे, ये देख रहे हैं एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल पे, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर बाउंस करा, दोबारा नीचे आया, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, तो हमें कहाँ पर शॉर्ट करना है, कहाँ पर लॉन्ग जाना है। देखिए ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ट्रेड बिल्कुल भी मत करिएगा, बट अगर आपको करना है तो इस बेसिस पे कर सकते हैं। ये देख रहे हैं एक शार्प कैंडल हमें देखने को मिली थी, ये वाली शार्प कैंडल देख रहे हैं, इसका जैसे ये वाला 50-61.8% ये लेवल है, ये जैसे ही ब्रेकआउट देता है, विच लेवल इज दिस 839,650 रुपीज, ये जैसे ही ब्रेकआउट देता है यू कैन गो फॉर अ बाय विद अ टारगेट ऑफ ₹100-150 का, इससे ऊपर के टारगेट्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करेगा। अदरवाइज अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है, विच लेवल इज दिस, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ दिस, जो कि ऑलमोस्ट ₹100 का है,
और नेक्स्ट टारगेट ये जो छोटा सा गैप है इसको भी फिल करने आ सकता है। मेरे हिसाब से कल सिर्फ ऑब्जर्व करिए, कल हमें पता चल जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार हो सकती है या फिर अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक है, एक बार ओपन इंटरेस्ट को मैं चेक करवा के आपको बता देता हूँ। सो ओपन इंटरेस्ट मैंने ओपन कर लिया है एंड क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी का मैंने ओपन है। निफ्टी पे अगर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं हाईएस्ट पुट राइटिंग है 18,400 पे और अभी क्लोजिंग 18,420 है, बट हाईएस्ट पुट राइटिंग भी आप देख रहे हैं कितनी है, इतनी सी है हाईएस्ट पुट राइटिंग, तो ज़्यादा एडिशंस हो ही नहीं है। इसके अलावा 18,500 पे जो भी पुट राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। इससे हमें एक चीज़ पता चल गई है कि अगर ये सिनेरियो कल तक वैलिड रहता है, कल अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग या कोई भी अपमूव नहीं आती है, मतलब मार्केट 50 रुपये ऊपर या 50 रुपये नीचे ही रहती है, तो डेफिनेटली एक्सपायरी 18,500 के ऊपर नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर पुट राइटर्स एग्जिट करे हैं और कॉल राइटर्स ने हैवी पोजीशंस बना रखी है। अब आप देख सकते हैं 18,500-18,600 बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने वाला। सो क्लियरली अगर आप लोग कर सकते हैं, अगर कल एक ऊपर की तरफ आपको मिलता है और वहां से जैसे ही रिवर्सल मिलता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं, ट्रेंड लाइन से जैसे ही रिवर्सल मिलता है आप लोग क्लियरली एक शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, और ऊपर भी आप लोग पुट्स को शॉर्ट, सॉरी कॉल को शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको पुट राइटर्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे 39,500 पे, और अभी क्लोजिंग प्राइस है 39,540 का। सो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ही एक्टिव है हाईएस्ट लेवल पे। कल अगर गैप डाउन देखने को मिलता है और रिकवरी नहीं आई तो आप लोग ऊपर कोई भी 100-100 पॉइंट के ऊपर के कॉल्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं और वहां पर एक्सपायरी डाउनफॉल ही एक्सपेक्टेड हो सकती है। सो मैंने आप लोगों को बाय के लिए स्टॉक्स दिए, बट मैं आपको सलाह यही दूंगा कि कल सिर्फ ऑब्जर्व करिए, ट्रेड मत लीजिए, या कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, लिसनिंग टू मी। वीडियो पसंद आई है, कंसेप्ट हमारे पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।